कुछ लोगों को बहुत मजा आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, मैं अभी मुझे कहीं जाना था तो मैं अभी अभी घर से निकली हूँ। करीब 8:30 बज रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ऑफिस का, तो डेली रूटीन सेम होता है, तो उसमें मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, तो आज का मैं ब्लॉग बनाऊँगी जितना पॉसिबल हो सकेगा मेरे लिए। तो आज पूरा बने रहिए, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी, सब आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा। एक साथ में मैं कुछ नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए, अभी बस निकली ही हूँ। आज का जो ब्लॉग होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि तो मुझे लगता है कि अभी हमें रोड क्रॉस करना है। दिल्ली में रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर सब्वे है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज रोड पे इतनी ट्रैफिक होती है ना, तो बहुत मतलब आराम से रोड क्रॉस करना चाहिए। हमें घर के पास से ही बस मिल गई थी, तो हमने वहीं से बस ले लिया और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन है, ये पालम का मेट्रो स्टेशन है, और ये देखिए पालम। अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर। मेट्रो में सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा होता है, हर जगह जांच होती है, बिना चेक किए अंदर एंट्री ही नहीं है बिल्कुल भी, और वो भी ऐसे नहीं कि कैसे भी कर दो, नहीं, बहुत अच्छे से पूरी निगरानी के साथ सारे काम किए जाते हैं। यहाँ देखिए, ये लोग लाइन में लगे हुए हैं एंट्री के लिए, पहले इनका पूरा चेक होगा। अब मैंने भी बैग रख दिया है मशीन। आज हम आए हुए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर मुझे पेंटिंग का काम करना है, मधुबनी पेंटिंग, और दीवार के ऊपर में पेंटिंग होनी है, तो बहुत अच्छा काम है, मज़ा आएगा, तो आज लंबा समय लगेगा, तो मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स बना के आप लोगों को दिखाती रहूँगी टाइम टू टाइम कि क्या प्रोसेस चल रहा है सब कुछ। ये देखिए, पहले दीवार को प्लेन किया जा रहा है कलर करके। फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार के बाद पेंटिंग का श्री गणेश हो गया है। वीडियो हिल रहा है।
उसका ही ले रहा हूँ। फ्रेंड्स पता है ये क्या पेंटिंग हो रही है? अरे चौथा लाइन बना रहे हैं, चौथा लाइन भी तीन दिन छोड़ेंगे। अब पहले अपने दोस्तों से बात कर लेने दो। फ्रेंड्स ये मधुबनी पेंटिंग हो रहा है, ये देख रहे हैं आप पूरे वॉल में। अभी यहाँ पे पूरा छठ का थीम बनना है, तो जैसे जैसे हमारा कंप्लीट होगा हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये देखिए ये पूरा बहुत अच्छा लग रहा है बना के, अभी शुरुआत ही हुआ है। इतने में इतना मज़ा आ रहा है ना बनाने में, आप यकीन नहीं कर सकते। तो देखिए पूरा हमारा व्यू कैसा आ रहा है अभी शुरुआत में। फ्रेंड्स तो आप ये देख रहे हैं ये हमारी पेंटिंग तैयार हो गई है। आप लोग बताइएगा और सीरियसली ईमानदारी से बताइएगा कि लग कैसा रहा है। देखिए और मुझे लग रहा है जहाँ तक काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे कि ये क्या थीम बना है। नहीं आया समझ कोई बात नहीं, मधुबनी पेंटिंग में छठ का थीम बनाया गया है।
फाइनली 8 दिनों के बाद हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।